देहरादून के एक पॉश इलाके के होटल से पुलिस ने छापा मारकर ऑनलाइन सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इसमें 6 लड़कियों समेत 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इस गैंग का सरगना रॉबर्ट ऑनलाइन बुकिंग कर युवतियों को देहरादून इस धंधे के लिए बुलाता था। रैकेट में पकड़ी गई 2 युवतियां सरगना के इशारे पर देहरादून की अलग अलग जगहों पर जिस्म फरोशी का ये धंधा संभाल रही थी। बेसिकली एसटीएफ को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक फ्लैट में राजपुर रोड पर ऑनलाइन गैम्बलिंग की जा रही है। उस सूचना पर जब रेड की गई टीम के द्वारा, वहां पर ऑनलाइन गैम्बलिंग करते हुए 2 अभियुक्त पकड़े गए, जो अभियुक्त कुछ समय पहले ही एसटीएफ द्वारा गैम्बलिंग में पकड़े गए थे और जमानत पर थे और पुनः गैम्बलिंग कर रहे थे। उसी घर से एक नेपाली लड़की भी बरामद की गई। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 5 अन्य लड़कियां भी इस वक्त देहरादून में हैं, जिनको बुकिंग कराकर देहरादून लाया गया है और उनकी लोकेशन माजरा के एक होटल में है। तो एसटीएफ टीम द्वारा माजरा के होटल में दोबारा रेड की गई, जहां पर 5 लड़कियां जो नेपाल, बिहार और दिल्ली से हैं, और साथ में 2 लड़के बरामद हुए। इन सब के अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट की धाराओं में केस रजिस्टर किया गया है। बहरहाल देहरादून पुलिस चक्के बिना पर एसटीएफ टीम के साथ मिलकर इस मामले को लेकर दूसरी जगह पर भी जांच पड़ताल कर रही है। देहरादून से कुलदीप रावत के साथ प्रियंका की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।